रहे तो खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं मुझसे। तो इस तरीके की न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप पे स्टेटस वीडियो आप लोग भी कैसे बना सकते हो तो काइन मास्टर से। तो चलिए तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे प्लस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए परिवार से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कमाल की वीडियो में लाता रहता हूँ। सो चलिए वो इंटरेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो सबसे पहले अपने काइन मास्टर को खोलना है। काइन मास्टर खोलने के बाद सबसे प्लस आइकन पर क्लिक करना है, स्क्रीन कैप्चर ले लेना है। लेने के बाद आप लोग सिंपल से सेटिंग पर क्लिक करना है, एडिटिंग पर चले जाना है। एडिटिंग पर जाकर आप लोग सिंपल से फिल स्क्रीन पर क्लिक करके आप लोग को डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग सिंपल से एक ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो को ले लेना है। तो इस वाले वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजी डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आप लोग इस तरीके से इस वाले ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस वाले ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर देना है। इस तरीके से जूम करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से जहाँ पर से फोटो आ रहा है वहाँ तक आप लोग को इस वाले ब्लैक स्क्रीन वाले इस इफेक्ट को रखना है। तो सिंपली यहाँ पर से फोटो चेंज हो रहा है तो सिंपली यहाँ तक आप लोग को इस वाले ब्लैक स्क्रीन वाले वीडियो को रख देना है। तो सिंपली इस वाले कैंची पर चले जाना है, यहाँ पर से इस तरीके से इस तरफ से ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद आप लोग यहाँ पर चले जाना है फर्स्ट पर। फर्स्ट पर जाने के बाद देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद आप लोग सिंपली जहाँ पर से आप लोगों ने यहाँ पर से स्क्रीन को काटा है वहाँ पर से आप लोग को चले जाना है मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर से आठ फोटो को सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी अपना। तो सिंपली मैं यहाँ पर से आठ फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर से कोई सा भी आठ फोटो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उसमें और से चले जाना है फर्स्ट पर, जहाँ पर से आप लोगों ने फोटो सेलेक्ट किया था वहाँ पर चले जाना है। जाने के बाद आप लोग सिंपली और से इस तरीके से छोटा कर देना है फोटो को। छोटा करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से एक बीट चेक कर आप लोगों को यहाँ पर से इस तरीके से फोटो को ट्रिम करना है। तो सिंपली यहाँ पर से एक बीट आ रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों को इस तरीके से फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर से कैंची पर जाकर आप लोगों को इस तरीके से ट्रिम कर देना है। फिर से एक बीट यहाँ पर आ रहा है तो सिंपली इस वाले बीट पर चले जाना है, यहाँ पर से फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैंची पर जाकर आप लोगों को इस तरीके से ट्रिम कर देना है। तो आप लोगों को बीट चेक करके आप लोगों को इसको फोटो को ट्रिम करना है। तो सिंपली यहाँ पर से एक बीट यहाँ पर आ रहा है, सिंपली इस वाले बीट पर आप लोगों को इस तरीके से ट्रिम करना है। इस वाले बीट पर आप लोग कैंची पर जाकर इस तरीके से ट्रिम कर देना है। तो इसी तरीके से एक बीट यहाँ पर आ रहा है तो इस बीट पर भी क्लिक करके आप लोग इस तरीके से कैंची पर जाकर आप लोग इस तरीके से काट देना है। तो सभी बीट पर जाकर आप लोग इस तरीके से फोटो को काट देना है। तो मैं जल्दी से काट कर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने सभी फोटो को बीट चेक करके मैंने काट दिया। काटने के बाद आप लोग सिंपली चले जाना है यहाँ पर से फर्स्ट पर। फर्स्ट पर चले जाना है। सिंपली फर्स्ट पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर से फर्स्ट फोटो पर यहाँ पर से इस तरीके से जूम आउट कर देना है। जूम आउट करने के बाद से फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर से क्लिक पर से चले जाना है। जाने के बाद आप लोग यहाँ पर से इस वाले फोटो में आप लोगों को कॉलमी डीजे इफेक्ट को चार नंबर को लगा देना है। तो कॉलमी डीजे इफेक्ट कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इजी कॉलमी डीजे इफेक्ट को अपने काइन मास्टर में डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इस वाले कॉलमी डीजे इफेक्ट को आप लोगों को चार नंबर को लगा लेना है। लगाने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर से दूसरे फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से क्लिक पर चले जाना है। जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से ओवरलाइन एनिमेशन को लगा लेना है एक नंबर को। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पर से नीचे इसको जाना है, गेट मोड के ऑप्शन पर चले जाना है। जाने के बाद आप लोगों को सिंपली अपना मोबाइल का नेटवर्क ऑन करके रखना है। तो मोबाइल का नेटवर्क ऑन करने के बाद आप लोगों को सिंपली इस तरीके से लोडिंग लेकर आप लोगों को यहाँ पर से इस तरीके से फीचर खोल कर आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से नीचे यहाँ पर से मॉडर्न सिंपल लिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर से ओवरलाइन एनिमेशन लिखा रहा है, सिंपली इसको अपने काइन मास्टर में इंस्टॉल कर लें। तो मैं सिंपली इंस्टॉल करके रखा तो चले जाता हूँ बैक। बैक जाने के बाद यहाँ से ओवरलाइन एनिमेशन को आप लोगों को एक नंबर को लगा लेना। लगाने के बाद आपको फिर से दूसरे फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर से क्लिक पर चले जाना है। जाने के बाद आप लोगों को सिंपली फिर से आप लोगों को कॉलमी डीजे इफेक्ट पर चले जाना है। कॉलमी डीजे इफेक्ट जाकर आप लोगों को यहाँ पर से चार नंबर को लगा लेना है। तो सिंपली यहाँ पर से दूसरे फोटो पे यहाँ पर से फिर से क्लिक करना है, क्लिक पर चले जाना है। जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से ओवरलाइन एनिमेशन पर चले जाना है, यहाँ पर से आप लोगों को दो नंबर को लगा लेना है। कॉलमी डीजे इफेक्ट को चार नंबर को या ओवरलाइन एनिमेशन को आप लोगों को एक दो तीन चार करके सभी फोटो में लगा देना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सभी फोटो में लगा देना है। तो जल्दी जल्दी से मैं लगा कर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने सभी फोटो में इस वाले इफेक्ट को लगा दिया। लगाने के बाद में सुनिवर्स कर देना है डन। डन करने के बाद आप लोग सुनिवर्स चले जाना है फर्स्ट पर। फर्स्ट पर जाने के बाद उसमें वर्ष क्लीन निकलना है, नए लेयर पर चले जाना है, मीडिया पर चले जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आप लोग सुनिवर्स बॉर्डर लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से फुल स्क्रीन में लगा देना है। लगाने के बाद आप लोग फिर से इसी बॉर्डर लाइन पर क्लिक पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर से ब्लेंडिंग पर जाकर आप लोग यहाँ पर से स्क्रीन कर देना है और इस वाले बॉर्डर लाइन को पूरी वीडियो में इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से पूरी वीडियो में लगा देना है। लगाने के बाद आप लोग फिर से चले जाना है फर्स्ट पर। फर्स्ट पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर से जहाँ पर से आप लोगों ने फोटो सेलेक्ट किया है वहाँ पर चले आना है।
पर चले जाना है। जाने के बाद में आप लोगों को सिंपली यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद जो लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर चले जाना है। मीडिया पर जाने के बाद में आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एक लाइट इफेक्ट वाले वीडियो को ले लेना है। सिंपली यहाँ पर मैं लाइट इफेक्ट वाले वीडियो को लगा देता हूँ। लगाने के बाद में उसमें बस फुल स्क्रीन में इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद में फिर से इस लाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर जाकर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने में फिर से इस लाइट पर क्लिक करने पर ऑडियो को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आप लोग देखो तो इस तरीके से पूरी तरीके से वीडियो बन कर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को सिंपली लास्ट पर चले जाना है, पर से इस वाले लाइट इफेक्ट को बड़ा हो चुका है, सिंपली काट देना है। हम देखो तो पूरी तरीके से वीडियो बन कर तैयार हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से वीडियो बन करते पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो होने के बाद यहाँ पर से शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद कोई सा वीडियो सेलेक्ट करके आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर देना है। तो आई होप आप लोग वीडियो चलाओ, तो वीडियो चलाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं कोई सा वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आप लोग को पहुंचे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।